सलमान और अक्षय की लड़ाई में फंसी बागीत्री, क्या है पूरी बात, आइए बात करते हैं। स्वागत है आप सभी का बॉलीवुड स्पाई में और मैं हूँ आपके साथ रोशनी। वेल, बागीत्री जहाँ रिलीज हो गई है, लेकिन अगर आप बिलोंग करते हैं यूपी और दिल्ली साइड से, तो और अगर आपकी इच्छा है कि अगर आप सिंगल स्क्रीन पर इस फिल्म को देखें, तो कहीं ना कहीं आपके लिए निराशा भरा हो सकता है, क्योंकि 50 सिंगल स्क्रीन स्पेस को बागीत्री नहीं दी गई है। डिस्ट्रीब्यूटर्स बहुत ही ज़्यादा निराश है, क्योंकि फॉक्सटार स्टूडियोज़ ने एक अलग ही तरह का डिमांड है, या अलग ही तरह का कह लीजिए कि एक क्लॉज है जो सामने रखा है इन डिस्ट्रीब्यूटर्स के सामने। ट्रेड एनालिस्ट कोमल नेहता, इन्होंने ट्वीट करके ये जानकारी दी है। क्या जानकारी दी है मैं आपको बताती हूँ। इन्होंने कहा कि अराउंड 50 सिंगल स्क्रीन सिनेमाज एंड सेवरल मल्टीप्लेक्सेस कंट्रोल बाय द सेम सिंगल स्क्रीन सिनेमा कंट्रोलर्स इन दिल्ली यूपी Not given Baagi 3 to play from March 6. Fox wants single screen to sign contracts for all shows for Lakshmi Bomb on Eid with no show to Radhe. War between Salman and Akshay begins. आप सभी को पता है कि सलमान खान और अक्षय कुमार की फिल्म ईद पर रिलीज होने वाली है, जहां राधे और लक्ष्मी बॉम्ब को लेकर बहुत बड़ा क्लैश होने वाला है ईद के मौके पर। इसी के चलते जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, उनके लिए ये डिमांड रखी गई है फॉक्स स्टार के साइड से कि वो सिर्फ और सिर्फ अक्षय कुमार की फिल्म जो लक्ष्मी बॉम्ब है, उसको ही स्क्रीन स्पेस ज़्यादा मिले, इन स्पाइट ऑफ, और ये चाहते हैं कि एक सिंगल स्पेस भी ना मिले राधे को। तो ये एक ऐसा क्लॉज उनके सामने रख दिया है, जिसके चलते उन्होंने ये कॉन्ट्रैक्ट भी साइन करने को बोला है, जिसके चलते कई सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स नाराज भी हो गए हैं। वेल, आप ऐसा समझ सकते हैं, उन्होंने ये हिंट भी दिया है जो ट्रेड एनालिस्ट है, कि अभी से इस वॉर की शुरुआत हो गई है सलमान और अक्षय वन ऑन वन, क्योंकि पिछले टाइम भी जब सूर्यवंशी आ रही थी और सलमान खान की फिल्म इंशाल्लाह को लेकर काफ़ी ज़्यादा बस था, दोनों एक ही दिन को रिलीज़ होने की बातें चल रही थी, लेकिन जहाँ इंशाल्लाह ठंडे बस्ते में चले गई, वहीं रोहित शेट्टी ने भी जो सूर्यवंशी की डेट है उसे शिफ्ट कर दी थी। लेकिन अब दोबारा क्लैश का मौका आ गया है। क्या होगा ईद के मौके पर, जहां दो लोग गले मिलेंगे, वहीं ये जो दो फिल्में हैं वो किस तरह का रंग दिखा पाएगी बॉक्स ऑफिस पर, देखना होगा, बेहद इंटरेस्टिंग। वेल, इन सब में बागी 3 को कहीं ना कहीं लॉस फेस करना पड़ रहा है, क्योंकि जहां 5000 से भी प्लस स्क्रीन्स मिली हैं, लेकिन इन सिंगल स्क्रीन्स पे ना होते चलते, क्योंकि दिल्ली यूपी एक बहुत ही बड़ा एरिया है और वहाँ भी नहीं मिल रही है इतनी स्पेस, तो कहीं ना कहीं इसको लॉस का भी सामना करना पड़ेगा। तो क्या कुछ है आपकी राय, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, और हमारे चैनल बॉलीवुड स्पाई के साथ बने रहिए।